कैसे हैं सभी लोग? अच्छी हूँ मैं। सब अच्छे हैं? सब सब सबकी फैमिलीज ठीक हैं? एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो अभी का जो सेशन है ये सेवेंथ सेशन है। हमने अभी तक 7 सेशन करे हैं। हालांकि जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें एक एक टॉपिक अभी बाकी है। बट व्हाट आई थॉट वाज कि प्रोबेबली वी कैन डू समथिंग व्हिच इज आल्सो रिलेटेड, व्हिच इज अ प्रिपरेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो आज का सेशन मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है। होपफुली ये हम सभी के लिए और हमारे जो बेनिफिशरीज जो इस ट्रेनिंग में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो। अभी तक जो हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स की, आई एम श्योर आप अपने आगे बेनिफिशरीज के साथ वो सेशंस होस्ट कर रहे हैं। अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो हम अलग से एक दिन एक सेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, जिसमें कि हम कुछ क्वेरी है तो आपस में मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। अगेन एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफ स्किल सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि कोई जॉब करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, तो ये लाइफ स्किल के सेशंस उन बेनिफिशरीज के लिए हैं जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इवन अपना कोई काम करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे से अलग दिख सकते हैं। ये सेशंस उसके बारे में है। आज का जो सेशन है, आई जस्ट शेयर माय स्लाइड्स। तो जैसे कि हमने बताया कि आज का ये सेशन हमने ये रखा है कि अगर हमें सब आ गया, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में पूरा पता भी है कि हमारी क्या क्या चीज हमें है और किस तरह के जॉब के लिए हम जा सकते हैं, क्या हमें कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जॉब के लिए अप्लाई करना है, या टेक्नोलॉजी में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या जो ट्रेनिंग हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं उसका कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या हम जो रेडियो और ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, टैली की ट्रेनिंग है, टैली में जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे बेनिफिशरीज को अभी तक कुछ ना कुछ स्किल्स तो आई है, या तो हमारे सेंटर से उन्होंने वो स्किल ली है, या फिर उनको पहले से वो आती थी, या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया। तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बेनिफिशियरी है उसको या तो आता है, या वो सीख रहा है या सीख रही है, या सीखना चाहता है या सीखना चाहती है। लेकिन हाँ कई बार क्या होता है, स्किल आते हुए भी जो हमें आता है वो आते हुए भी हम अपनी बात कहने में अब हम डिलीवर नहीं कर पाते। जब हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक हवा बना रहता है कि कोई सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करेगा, और मुझे इवैल्यूएट करेगा तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो वो एक जो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में, या एक खौफ बैठ जाता है, उसकी वजह से कई बारी हम लोग उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते, या हम प्रेजेंट अपने आप को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सेशन के थ्रू एक कोशिश है जिसमें कि आपकी जो कला है या जो आपका जो स्किल है जिसके लिए आप अपियर करने वाले हैं इंटरव्यू में, उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनालिटी को या अपने हाव भाव को या अपनी बातचीत को रखेंगे तो वो कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ प्रिपरेटरी पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम एटलीस्ट अगर इनको हम करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती कोई इंटरव्यू में। पॉजिटिव होगी कि नहीं वो आपकी डिलीवरी ऑफ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो मार्किंग सिस्टम होता है। मान लीजिए उसी जॉब के लिए 100 लोग अपियर कर रहे हैं, 200 लोग अपियर कर रहे हैं, 10 लोग अपियर कर रहे हैं, तो किस किन पॉइंट्स पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं, या एटलीस्ट आपके मार्क्स कट ना हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपका इम्प्रेशन डाउन ना हो जब आप एक इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या 1-to-1 जाते हैं। तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है, कोई कोई बता सकते हैं? आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कभी किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है? कोई मुझे वॉलंटियर कर सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है, जॉब इंटरव्यू?
बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने सभी ने जॉब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बिना तो शायद किसी को भी जॉब नहीं मिला होगा। आई हैव नेवर सीन एनीबडी, इवन टॉप पोजीशंस में तो मल्टीपल इंटरव्यू होते हैं, आठ आठ नौ नौ लेयर्स ऑफ इंटरव्यू होती है अगर एक टॉप पोजीशन पे किसी को रखा जा रहा है तो खासा ये जॉब इंटरव्यू क्या होता है? मैम जी कौन बोल रहे हैं? आकांक्षा। जी आकांक्षा, आप कौन से सेंटर से हैं? हेलो मैम। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कौन से सेंटर से हैं आकांक्षा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। मैम बोलिए। जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू इंटरव्यू भी रहते हैं, और वो बहुत से मतलब उस इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। वो इंटरव्यू हर एक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो जो इंटरव्यू होते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे जैसा उनको आंसर मिलता है वो उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए और कौन इस जॉब के लायक है। तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं? जो जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू ले रही हैं और मैं अपीयर कर रही हूँ एक इंटरव्यू में, तो आप मेरे में क्या देखना चाहेंगे आकांक्षा? मैम मैं ये देखना चाहूंगी कि जो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्या आप उस जॉब को कर सकती हो, उस लायक हो या नहीं। तो आप इसमें बिल्कुल तो सही। अगर कोई फाइनेंशियल चीज हुआ तो मैं आपसे फाइनेंस के बारे में करके कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप मुझे इवैल्यूएट करेंगी कि जो पोस्ट निकाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या मेरे साथ जो 10 लोग आए हैं उनमें से कौन इस पोजीशन के लिए बेस्ट सूटेड है, तो उस पोजीशन के लिए आप क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? आकांक्षा के अलावा कोई और भी बता सकता है। अब हमारे सामने केस है कि हम एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये जॉब इंटरव्यू होता है, ये जॉब इंटरव्यू का मकसद होता है, तो अब कोई बता सकता है कि एज ए इवैल्यूएटर आप क्या इवैल्यूएट करेंगे? आपके सामने मेरा सीवी रखा है, आप सीवी में पढ़ लीजिए कि मुझे मुझे क्या आता है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं करा। आप फिर जॉब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम दिस इज निशा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर। नमस्ते निशा जी, कैसे हैं? मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी बताइए। तो मैम आई थिंक जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम ये जॉब कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये एक मकसद होता है, क्योंकि सीवी में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आप कर भी पाएंगे कि नहीं, वो जज करने के लिए या वो इवैल्यूएट करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। और कोई और किसी का कोई और पॉइंट निशा के अलावा? हेलो मैम, रेनु बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा सेंटर से। नमस्ते रेनु जी, बताइए। नमस्ते मैम। मैम अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीन्स जो दो बातें भी हमने डिस्कस कर ली कि एक तो हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, या आप एक कह रहे हैं कि एक रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट कभी जब हम लोग जाते हैं तो हमें क्या नॉलेज है, तो हम इंटरव्यूअर हमसे कहता है कि आप अपने आप मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा समरी या समराइज करके बताइए कि आप कैसे अपना ऑफिस को रन करते हैं, या हमने बताया जो भी हम इनको सिचुएशन देते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम उसमें कि हम ये है, हम ये है, ये है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि यार ठीक है आप हमारा ये पढ़ा है, हमारा बिल्कुल बेकार मैसेज आया है, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी एक क्वालिटी जज की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, या आपके पास आप आइडिया इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं कि नहीं है। वेरी गुड। और आई थिंक सो। तो हमारे दो या तीन चीजें आ गई। पहला कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने सीवी में लिखा है वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चेक करते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इनोवेशन की जरूरत है, आप इनोवेटिव हैं कि नहीं, वो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप अगर एक सिचुएशन दी जाए तो उसमें आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे या काम करेंगे। वेरी गुड। सो नीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, कैसे जी ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, इसके अलावा मैम पर्सनैलिटी इंटरव्यू के द्वारा हम पर्सनालिटी भी सामने वाले की देख सकते हैं, और अवेयरनेस अबाउट द जैसे कि सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कितना अवेयर है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग रिटन भी हम देख सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे याद है हम दोनों ने मिलके ही
हमारी जो स्कूल था प्री स्कूल का, उसका एक इंटरव्यू किया था, तो हमने किन किन कैटेगरीज पे अपनी टीचर्स को इवैल्यूएट किया था। एब्सोल्युटली राइट, बच्चों के साथ काम करना है, उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग है कि नहीं, और ये सब चीजें हम इंटरव्यू में ही जज कर सकते हैं। हम सीवी देख के नहीं जज कर पाते, या फोन पे बात करके ज्यादातर नहीं जज कर पाते। तो इन सब पॉइंट्स जो सभी मेरे साथी हैं, उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स, और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बट कहने का मकसद ये था कि इंटरव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है, आप दोनों इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स सुने हैं वो हमने यही सुने हैं कि एज अ कैंडिडेट आप में क्या क्या चीजें हैं, बट कैंडिडेट का भी ये राइट है कि वो पूछ सकता है या वो देख सकता है या वो देख सकती है, जज कर सकती है कि जिस एनवायरमेंट में वो काम करने जाने वाला है या जाने वाली है, वो एनवायरमेंट उसको सूट करता है, उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता। इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी सिर्फ इवैल्यूएट नहीं होंगे, आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉल सेंटर का जॉब है क्या, रात की ड्यूटीज लगेंगी, रात की ड्यूटीज क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा कैसा एनवायरमेंट है वहां पे, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर गर्ल्स जा रही हैं, लेडीज जा रही हैं, उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, आपका भी पूरा हक बनता है कि आप देखें, इवैल्यूएट करें अपनी सूझबूझ से। सो इंटरव्यू इट्स अ मीडियम कि जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, मेरे और मैम के जैसे जैसे 14 साल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो एक लाइफ टाइम हो सकता है, बट यू हैव टू इवैल्यूएट दैट दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कम्फर्ट, कि आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सामने वाला एज एन एम्प्लॉई, आप दोनों का मेल बैठता है एक पोजीशन के लिए जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया। ये कहना बहुत आसान है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू करने जाते हैं, हम ज्यादातर सवाल नहीं पूछ पाते हैं ये सोच के कि सामने वाला हमें बोलेगा कि रूड है या अपने आपको बताने क्या समझता है, इतने सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल मत पूछिए, लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, आप ऑब्जर्व करिए, बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख पाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर भी खुश होगा और वो भी लॉन्ग टर्म आपको एसोसिएट कर पाएगा। वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग था, लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले कुछ वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसे अच्छे तरीके से, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, कोई एडवर्टीजमेंट होती है या कोई आपकी सहेली या आपकी कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया होगा कि इस कंपनी में जॉब निकला है, इसमें अप्लाई कर दो, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल पे आपके पास कोई अलर्ट आया होगा कि जॉब्स के लिए है, लेकिन वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़िए। बहुत सारी कंपनीज काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन देती है कि किस तरह का जॉब होगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ट्रैवल रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए। कई कई जॉब्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि आपका सेल्फ व्हीकल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉब्ली रिटेल में है, तो वो वर्किंग आवर्स पहले ही एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे। जैसे कि मॉल हो गए या फिर कोई कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कि उन्हें पर्टिकुलर स्किल चाहिए, तो आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इवैल्यूएट करिए कि आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि जो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन है कि क्या आप एमएस एक्सेल जानते हैं, तो हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करिए। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी वो स्किल जो है आपके अंदर है कि नहीं, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं।
आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर दीजिए। बहुत जरूरी नहीं है आजकल की जॉब मार्केट में कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग को ही जॉब मिलेगा। तो जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है, आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो उसमें अभी आप एलिजिबल हैं कि नहीं। बट जो भी बात कहें उसे अपने कॉन्फिडेंस से रखिए। जो पहला शब्द हमने इस सेशन में सुना था, कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस जज करना चाह रहे हैं और उनको फटाफट पता चल जाएगा ये रियल कॉन्फिडेंस है या ये मतलब एक शो, आप शो पुट अप कर रहे हैं या रियल में आप कॉन्फिडेंट है। ये हर किसी को आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए अमेजोन ने कोई जॉब निकाली है या फ्लिपकार्ट ने कोई जॉब निकाली है या सम वोडाफोन ने कोई जॉब निकाली है, एयरटेल ने कोई जॉब निकाली है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जॉब लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़िए कि जो लोग इन जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनका कोई कभी कभी रिव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, आजकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब है थरो रिसर्च करिए। अगर आपको कोई बोलता है बस जाके अपना सीवी मत भेजिए, हाँ भाई तू जा रहा है ठीक है मेरा सीवी भी भेज दे, उसमें ऐसे नहीं, आपको प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिले। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कई साइट्स पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो हम एक सेशन भी कर सकते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कुछ लोग ना कहानी गढ़ने शुरू करते हैं, मैं छोटा था तो ये था मैं वो था। आपको प्रिस्ट में बताना है। गीता मैम ने कई बार वो एलिवेटर पिच के बारे में बात किया कि एक मिनट में हमें अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि किसी को याद भी नहीं रहेगा। अगर 100 लोग बैठे हैं, यू कांट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिमेम्बर, बट वो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में है, जो आप बताना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करिए जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए। इसको बार बार प्रिपेयर करिए, रिटन में लिखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ को, और इसको प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो ये जॉब आप करना चाहते हैं। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप अपने आप को यहाँ से 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। किसी भी जॉब में आप जाएंगे ये जरूर पूछा जाता है, सैलरी कितनी लेंगे। हम लोग हिचकिचा जाते हैं, कई कई जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है पर फिर भी पूछते हैं कि आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे। तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि इस तरीके की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पर्क्स हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि कुरियर कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सैलरी कम होती है बट पर्क्स या रिलेटेड अलाउंसेस बहुत होते हैं, ट्रैवल का दे देते हैं या टेलीफोन का दे देते हैं क्योंकि कुरियर से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंश्योरेंस होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है वो सारी चीजें फ्रेशर लेवल पे शायद ना हो क्योंकि आपको शायद प्रोबेशन दिया जाएगा, 3 months का प्रोबेशन होगा, 6 months का प्रोबेशन होगा। जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट किया था तो मुझे 6 months का प्रोबेशन था। 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद, उसी बैंक में 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद 6 months का प्रोबेशन था, तो इफेक्टिवली मेरा प्रोबेशन 9 months का हो गया था। बट दैट्स देयर रूल। किसी भी फ्रेशर को वो बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके ही परमानेंट करते हैं। बट डोंट गिव अप। हमारी प्रोफेशनल जर्नी अगर हम 24 या 25 साल में शुरू करते हैं और हम 60 साल तक अगर काम कर रहे हैं, 70 साल तक काम करें, तो बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है। इसमें आप धीरे 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 करके ही अपनी स्किल्स को ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपको सारी पर्क, सारे बेनिफिट्स मिल जाए तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। So know about the job, prepare yourself, prepare the basic question. लेकिन basic question prepare करके जाइए, लेकिन उसे जल्दबाजी में deliver मत करिए। अपनी pitch को, अपनी communication skill को, जो first session हमने पढ़ा था कि communication skill, उस पर practice, उस पर focus करिए कि आपको crisp रहना है, concise रहना है, clear रहना है, फिर भी अपनी बात कहनी है। हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ, या फिर सेंटर में अगर कोई लोग हैं या कोऑर्डिनेटर्स के साथ,
आप मॉक इंटरव्यू करिए, अगर जो भी आपका सबसे नियर एंड डियर वाले उसके साथ आप मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू मतलब ये जो 5-10 क्वेश्चंस हमने बोले, एक इंटरव्यू और बन जाए, एक इंटरव्यू ही बन जाए। कोशिश करिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू ही बनिए, आप इंटरव्यू ही और मत बन जाइएगा। आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप खुद सोचेंगे कि शायद मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा कहने का तरीका या मेरे कहने कहने कहना जो चाह रहा हूँ वो बेटर हो जाए। आप उसे रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब हम बोलते नहीं है, अपनी आवाज नहीं सुनते तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नीचे ही रहता है। कभी आपने देखा टीचर्स में क्या कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो हर वक्त अपनी आवाज सुनने की आदी होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं, उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट काफी कम रहता है। जब हम स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, हमने देखा हमारी टीचर्स क्या एकदम स्मार्ट और एकदम डिलीवरी करती हैं उसकी लेक्चर की, जो भी टॉपिक होता है प्रिपेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर करके आते हैं। तो आप अपने आप को शीशे के सामने किसी फ्रेंड के साथ, मोबाइल पे आजकल तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ कैमरा से, या कैमरा से खड़ा करके किसी जगह पे आप आराम से उसे रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत जरूरी है कि आप जहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका लोकेशन पहले से ही ध्यान में रखें। अगर इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है तो आप कोशिश करिए कि आप अपना घर से इंटरव्यू तक पहुंचने का डिस्टेंस पहले ही जान लें, ताकि आप टाइम से पहुंच पाए, ना टाइम से ज्यादा देर से, ना टाइम से बहुत पहले। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में एक हैंकी या एक टॉवल साथ में रखिएगा, ताकि जब आप जाते हैं, गर्मी का टाइम में पसीना आ जाता है, तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जा सकते हैं वहां पे। अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां पे कहाँ रेस्ट रूम्स हैं उनसे बात करिए, जो भी वहां पे सपोर्ट स्टाफ है उनसे पूछिए रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं, आप जाके अपने आप को क्लीन अप करिए, कोट करिए अच्छे से। और बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लोथ्स, आप क्या पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान, हम इस पे भी आएंगे कि क्या पहनना चाहिए, जस्ट अ सजेशन, नो there is no right or wrong, but as a mature person हमें किस तरीके से अपने आप को professionally शो करना चाहिए या कंडक्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले से आप तैयार करके रखिए, अगर उसे आयरन करना है आयरन करके रखिए, देखिए उसमें कोई बटन तो नहीं टूटा हुआ, कौन से चप्पलें पहनना है, शूज पहनना है, पूरा एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसके ऊपर भी अभी हम आगे स्लाइड्स पे बात करेंगे। हम बॉडी लैंग्वेज पे पहले कम्युनिकेशन के टाइम पे भी बात कर चुके हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दौरान में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये मत करिएगा कि उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी, जो ऑनेस्ट आंसर है, जो आप कर सकते हैं उसी को आंसर करिएगा, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूअर है, वो बहुत सालों से शायद उस पोस्ट पे बैठे हैं और वो फट से समझ जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं या आप सिर्फ गप मार रहे हैं और ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी। तभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट। आपको आता है नहीं आता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है, बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। तो हम अभी तक किसी का कोई सवाल या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सवाल हम एंड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात करी, अब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम ना बोलते हुए भी, अभी तक तो हमने बात करी पिछले की 2 स्लाइड्स में कि आप जब बोले तो सही बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, अपनी कम्युनिकेशन में जो पिच है उस पर ध्यान रखिए, अपने जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसे प्रिपेयर करिए। लेकिन इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं ना, तभी भी कई बार हम इवैल्यूएट हो रहे होते हैं या हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हो कि हम कैसे बैठे हैं,
हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं, तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या जो हमारे जेस्टर्स हैं जब हम इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम जब नर्वसनेस अपने अंदर कम कर देंगे, नर्वसनेस कैसे कम करेंगे? जब हम प्रिपेयर करके जाएंगे, और प्रिपेयर कैसे करेंगे उसकी बात हमने ऑलरेडी करी है। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं। रिसर्च करिए, अपने बारे में पॉइंट्स लिखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप क्यों, आप ही क्यों वो कैंडिडेट हैं जो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब चीजें, तो ऑलरेडी आपकी नर्वसनेस काफी कम हो जाएगी। बट ये मत सोचिए कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट जब आपने इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दिया, कहीं ना कहीं आंसर इसी में ही छुपा होगा। आप एक पीसफुल माइंड से जाइए, एक इंटरव्यू है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप गेन करके बाहर निकलेंगे, कुछ नए लोगों से आप बातचीत करके निकलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए कि और कैंडिडेट्स कैसे जो आए हैं वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नर्वस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी नर्वसनेस आपके हाव भाव में साफ दिख जाएगी, क्योंकि सामने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, कई वीडियोस हैं ऑनलाइन, उन वीडियोस पे आप प्रैक्टिस देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन को पूछते हैं उनके आंसर किस तरीके से तैयार करें। मैंने कहा कि हम इस पे भी एक सेशन कर सकते हैं अगर हम सबका इंटरेस्ट होगा तो। कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इनमें, मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है, बट कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्यों मैंने क्रॉस लगाया है? ये जो ब्लू शर्ट में जेंटलमैन बैठे हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैंने क्यों एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाया है? ऐसा क्या गलत है? उनके चारों फोटोज हैं, एक एक करके अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चारों फोटो में, मुझे क्या, क्यों मैंने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर, या अगर आपको सही लग। हाँ जी मैम, आई थिंक इनकी सिटिंग पोजीशन ना करेक्ट नहीं है। इनकी करेक्ट क्या होता है? व्हाट इज करेक्ट? मैम अपना बैक स्ट्रेट करके बैठना, अपने दोनों आर्म्स अपने लैप में रखना, अपने लेग्स दोनों बिल्कुल स्ट्रेट और पास में रखना, इस तरह से आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ सीटिंग सिचुएशंस और पोजीशंस आर करेक्ट। करेक्ट हो सकता है। क्या होता है कि कई बार ही ना, जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, आप कभी अगर गए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैं खुद गई हूँ वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, तो 100-100 लोग होते हैं और वो टाइम दे देते हैं सुबह 9 बजे से और सभी लोग पहुंच जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जो पहले पहुंचा उसका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे रीड में अगर आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, मैम आपको पर्सनली मिलती है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे। ये होता है कि 100 पीपल आ गए, ठीक है, उनको 20-20 के बैच में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में से वो 5-6 लोग निकालेंगे हर एक ग्रुप में से, और 5-6 लोगों में से वो पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और फिर पैनल डिस्कशन होगा। तो कई बार ऐसे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये HR वालों का काम होता है। तो अब बहुत टाइम से आप बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है और आप बोर हो रहे हैं, आप अपने पैरों के साथ फिडल करना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी। आप कितनी देर आराम से एक कॉन्फिडेंट नर्वस ना होके बैठे रह सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या कुछ है, तो आप इंटरेस्टेड लगिए। अब ये जो लास्ट में फोटो है, ये कुछ फेक स्माइल लग रही है कि ये फेक दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। ये देखने वाले को साफ पता चल जाएगा कि ये फेक स्माइल है, उबासी ले रहे हैं, बोर ऐसे करके बैठे हैं, तो बोर हो गए, यानी कि वो इंटरव्यू देने आए हैं लेकिन वो बोर हो गया है। तो ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्प्रेशन देती हैं। हो सकता है आते जाते आपका इंटरव्यू देखना देख रहे हो, या आप CCTV लगा है उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है आप कस्टमर सर्विस में हो, तो वो चाहते हैं कि वो ये देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, चाहे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आप पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव कैसे रखते हैं? ना तो बहुत ही खुश, ऐसे खुश दिखाने की भी बहुत जरूरत नहीं है जो हम लास्ट फोटो में देख रहे हैं, ना तो ऐसे दिखाने की कोई जरूरत। नॉर्मल जैसे आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, वैसे आप बैठिए।
कई लोगों को आदत होती है अपना पूरा पैर फैला के एकदम, मतलब बिल्कुल पैर आगे करके या पैर को फिडल करके ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं कई लोग। कोशिश करिए ये ना हो, ये ना करें जब हम किसी वेटिंग एरिया में या जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। पेंसिल को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेन पेंसिल को, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्चर, यानी कि जहाँ हम बैठे हैं हमारा पोस्चर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सो सिट स्मार्ट, सिट कॉन्फिडेंटली एंड दिस कॉन्फिडेंस विल शो इन योर इन योर इन योर किसी ने चैट में कुछ लिखा है जस्ट, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी की 8th रैंक आई थी, ये IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ये IAS का इंटरव्यू चल रहा है। आप इस लेडी की पोजीशन देखिए कैसे वो बैठी है, ना तो ज्यादा झुक के बैठी है ना तो ज्यादा ही अलर्ट बैठी है, कि एकदम अलर्ट भी नहीं बैठी है, बहुत कॉन्फिडेंस से। मैं जानती हूँ कि इनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, बट मैं ये दिखाना इसलिए चाहती थी कि इस तरीके का भी अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें भी किस किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके गई होंगी, क्या उन्होंने पहना है, किस सिंपलिसिटी से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी पैनल ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं या इवन पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो जो क्लोथ्स, मैंने कहा था कि आप अपना जो क्लोथ्स है जो आप पहनने वाले हैं आप पहले से डिसाइड करके रखिए। थोड़ा टाइम हम इसके देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल आजकल हम लोग कई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा डिफरेंट है। हम डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कई बारी हम जिस तरीके के कपड़े पहन, चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैन ऑल्सो डिटरमाइन समटाइम्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। कंप्लीटली डू नॉट टेक मी रॉन्ग, सबको फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, बट वो हमारी पर्सनल लाइफ में वो फ्रीडम है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे तो चांसेस ये हैं कि एटलीस्ट इन द इंटरव्यू स्टेज आप अपने जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल के बेसिस पे होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, कोई आदमी या बॉय इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एक प्लेन टी शर्ट, चेक टी शर्ट, सॉरी प्लेन शर्ट, चेक शर्ट, अच्छी कलर में, नॉट वेरी ब्राइट येलो रेड, इन सबको अवॉइड करते हुए। हमने कलर थेरेपी भी कई सेशन करे हैं। कलर थेरेपी में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर, अर्दी कलर्स जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ज्यादातर वो इन द आई लगते हैं और वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी फ्लैशी, आप में जो क्वालिटी है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपने जो पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है वो डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर कोई मेल मेंबर जा रहे हैं, साफ प्रेस हुई भी है, नहीं प्रेस हुई भी, लेकिन साफ शर्ट डिसेंट कलर में, बहुत ब्राइट ना हो, मतलब बहुत कुछ उसपे जाती कुछ ना बना हो, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया में एवरीथिंग सेल्स। बेसिक ट्राउजर, कार्गोज मत पहन के जाइए, जीन्स मत पहन के जाइए। इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड एज अ लिटिल बिट मोर मेच्योर पर्सन, जस्ट अ सजेशन। फ्लिप फ्लॉप्स मत पहन के जाइए, ओपन जो हमारे आते हैं आजकल, फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते होंगे, चप्पलें जो होती है, चप्पलें तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडल बोलते हैं, वो जो एक बकल के साथ आता है जिसमें आपका थोड़ा पैर दिखता है। तो मेल मेंबर्स के लिए पेपर ही होता है कि बारिश बहुत हो रही है, हम शूज नहीं पहन के जा सकते, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट नॉर्मल सिनेरियो में कोशिश करिए कि बंद जूते पहन के जाएं, साफ हो जूते, चमकने नहीं बट साफ तो हो कम से कम। कंघी करके जाइए, तेल मत लगाइए, कुछ लोगों को तेल लगाने का आदत होता है तो मत लगाइए। कई बार सामने वाले को किसी चीज से एलर्जी होती है, इरिटेशन हो सकती है। आप अपने नेल्स क्लिप करके रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे आपके हाथ जरूर दिखेंगे। जैसे मेरी बहुत आदत है हाथ को यूज करने की, ऐसे अगर किसी की आदत है तो प्लीज आप अपने नेल्स का साफ रखिए ध्यान से। तो ये हुई मेल मेंबर्स की बात, जस्ट अ सजेशन अगेन, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग। फीमेल के केस में कोशिश ये करिए कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप अगेन यू रिसर्च अबाउट द
कंपनी, उनका कल्चर कैसा है. ट्राई एंड स्टिक टू क्लोथ्स दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन. कुर्ता है, साड़ी है, इवन अगर स्कर्ट्स आप पहन के जा रहे हैं उसकी लेंथ का ध्यान रखिए. कोशिश करिए बड़े बड़े झुमके नहीं पहन के जाने, बड़े बड़े झुमके हो. बहुत सूट भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लेन कॉटन का. आप देखिए वो आईएएस के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने एक बेज कलर का सूट पहना है, मरून कलर का दुपट्टा है, ना तो कोई बड़े झुमके हैं, ना तो कोई ज्वेलरी उसने पहनी है, क्योंकि वो चाहती थी, ये जो फोटो है इसकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बोल रही है, जो उन्होंने सीवी में लिखा है, उस पे एम्फेसिस हो उन चारों लोगों का जो इंटरव्यू करने उसको उनको बैठेंगे. अब देखिए चारों का ध्यान उसी तरफ है जो वो बोल रही है, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है. आपका हेयर स्टाइल जो है, मेन वुमेन गर्ल बॉय सभी का क्लीन एंड नीट होना चाहिए. बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए, और मतलब बेसिक नीट एंड क्लीन आपका अटायर होना चाहिए. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा आप खुद ही कभी फंस जाएगा कुछ कान में और आप खुद ही परेशान हो जाते हैं. अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है तो हो सकता है गर्मी लग रही हो बहुत ज्यादा. ट्राई नॉट टू वियर एनीथिंग लाइक अ पार्टी. आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी प्रोफेशनल कंडक्ट में जा रहे हैं, तो उसी तरह बहुत ज्यादा मेकअप मत करके जाइए. बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, बेसिक आप आईलाइनर लगा सकते हैं, बट बहुत मेकअप करके मत जाइए. इट डिस्ट्रैक्ट्स द अदर पर्सन फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग. दिस इज जस्ट सम टिप्स अबाउट दैट, अबाउट व्हाट यू कैन वियर. किसी और का कोई पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे. वी कैन कम बैक टू इट इन फ्यू मिनट्स. मैं टाइम देख रही थी कि मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ. अपना फोन जरूर से जरूर साइलेंट पे रखिएगा. बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है. जैसे मैंने अभी अपना फोन चेक किया टाइम के लिए, तो ये जरूर करिएगा कि आप अपना फोन को डिस्ट्रैक्ट करें. सोशल मीडिया पिंग 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 करता रहता है. कभी कभी हम बात कुछ करें, टिंग टिंग की आवाज पीछे से आती है. प्लीज अवॉइड दैट. जब आप बात कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड मैनर में डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंटली आप बात करेंगे, और अपनी पाम्स को हमेशा ओपन रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हुए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं. या कभी कभी हम ऐसे हाथ दबा के बात करते हैं, या दुपट्टा है तो दुपट्टे को दबा लेते हैं अपने हाथ में कि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है, आ रहा है. अवॉइड करिए. अगर पेन पेंसिल हमारे हाथ में होती है, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली उसको चबाने लग जाते हैं. हो सकता है हम पैनल में बैठे हैं, 10 लोग हैं, और आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल किसी और से पूछा जा रहा है, तो आप पेन चबा रहे हैं उतनी देर, या पेंसिल चबा रहे हैं उतनी देर, या फिर आपके हाथ में कोई पेपर है उससे आप वो, मेरी बहुत आदत है कि पेपर पे मैं वो छोटे 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 कुछ ड्रॉइंग ऐसे करने लग जाती हूँ. तो इंटरव्यू के टाइम पे प्लीज वो अवॉइड करिए. ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन रहती है. अपना पैर मत हिलाइए. पैर हिलाना या फुट हिलाना, नोज पिकिंग करना, कंप्लीटली नो. हम सभी को ये बातें पता है, बट कहीं ना कहीं जब हम नर्वस होते हैं तो ये एक नर्वस रिएक्शन हमारे हमारे पीछे से वो माइंड उसको कोशिश करता है कि हम किस तरह से वो नर्वसनेस को. कभी कभी बहुत लोग पानी बहुत पीते हैं इंटरव्यू में, फिर पानी बहुत पियेंगे तो वो भी एक शो है कि नर्वसनेस आ रही है. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट शो कर सकते हैं. बिलीव इन योर सेल्फ. आपको वो स्किल आती है क्योंकि आपने वो रिसर्च करी है कि इस जॉब को किस स्किल की जरूरत है, तभी आपने अपने आप को जॉब के लिए अप्लाई किया है. ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द प्रोफेशनल थिंग दैट यू आर गोइंग. यू आर नॉट गोइंग फॉर अ कल्चरल इवेंट. आप किसी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं. डोंट ड्रेस लाइक यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज. पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी ड्रेस करें, प्रोफेशनल में सर्टन बेसिक एटिकेट्स आर देयर. We should follow those things. कई कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म भी होती है. आप ये आप तो सोचिए कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे मारुति में काम कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जिनमें अपनी यूनिफॉर्म होती है. तो आप ये सोचिए कि उनका तो प्रोफेशनल उनको अटायर मिलता है, उनको साड़ी ही पहनना होता है. मंडे को अलग, ट्यूजडे ऐसे अलग अलग कलर्स की साड़ीज मिलती हैं. तो आप ये देखिए जो वो इतना प्रोफेशनल अटायर को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश करना है. हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे ब्रांड का शर्ट लेके जाओ या बहुत अच्छा क्वालिटी का सूट पहन के जाओ.
बेसिक साफ नीट एंड क्लीन अपने आप को, क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रही हूँ। अगर अगर आपकी कम्युनिकेशन है वर्बली आप कर रही हैं, रिटन में भी कभी कभी लिखने को बोलते हैं, हम कभी कभी ना कुछ जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि ठीक है आप एक पैराग्राफ लिख के दे दीजिए, आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु आप उसमें लिख के दीजिए, बट क्लियर और क्रिस्प में लिख के दीजिए, ऐसे मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करके जाइए उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं कह रही हूँ कंपनी के बारे में एडवांस रिसर्च करके जाइए, वो कौन इंटरव्यू ले रहा है, कई बार एचआर के नाम दिए होते हैं वेबसाइट पे तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सारे जो एचआर के लोग हैं वो कभी कभी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इंटरव्यू कौन लेगी, तो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ट्राई एंड रिमेन काम, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी पोलाइट बी कर्टियस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका ये काम है, अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि अभी सुनी किसी ने बताया था कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि वो जज करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर हम आपको डालते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो आप पोलाइट रहिए कर्टियस रहिए, अगर कुछ नहीं आता तो आप कह सकते हैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ या मैं जल्दी सीख लेती हूँ, अगर आप सिखाएंगे अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा, बट आप हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोल सकते, कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आपको लगता है इस जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अगर आप कमिट कर रहे हैं कि आप सीख लेंगे तो जरूर सीखिए, ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ कहने के लिए जॉब एक्वायर करने के लिए नहीं, अगर आपने एक बार कमिटमेंट करिए तो आपको सीखना भी पड़ेगा। So if you don't know the answer, you can say that I do not know about this particular thing, but I can do the research and get back to you. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएंगे कि आप फिडल कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या आपको वाकई में पता है इस बारे में कि नहीं पता है। अपनी रिज्यूमे की कॉपीज हैंडी रखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपने ईमेल से भेज भी दिया है तभी भी आप अपनी इंटरव्यू की एक या दो कॉपीज करा के जाइए, आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन सर्टिफिकेट के ओरिजिनल भी कई बार लोग देखना चाहते हैं, एक अच्छा सा महंगा नहीं अच्छा सा फोल्डर खरीद लीजिए, फोल्डर में पॉकेट्स होती हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स नीटली उन पॉकेट्स में रखिए, कोई पूछता है कोई मांगता है तभी उसे दिखाइए, बिकॉज आपने सीवी में ऑलरेडी लिख दिया है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज करे हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, कहीं पे वॉलंटियर किया है कि नहीं, वो आपने सीवी में ऑलरेडी कर दिया है। आप चाहें तो रेज्यूमे राइटिंग पे भी हम एक सेशन कर सकते हैं, बट ये चीजें आपने ऑलरेडी सीवी में लिख दी है, तो कोई सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं या कभी कभी एचआर में जमा कराने पड़ते हैं तो आप कहेंगे अच्छा आज तो है नहीं मैं कल दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो अवॉइड करिए, अननेसेसरली कोई जरूरत ही नहीं है, कौन फॉलो अप करेगा नहीं करेगा, हैंडी रखिए, कोई पूछता है तो वहीं पर उसकी कॉपी सबमिट करके आइए। अपना आई कांटेक्ट कभी भी लूज मत करिएगा अपने इंटरव्यूअर के साथ, हमेशा पोलाइटली चीयर, मतलब बहुत खुश नहीं, अभी हमने फोटो में देखा था कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, इस तरीके का फेस नहीं रखना, उदास नहीं रखना, खुश और कॉन्फिडेंट फेस रखना है, बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपनी जो स्किल है जिस इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है तो आप अपनी स्किल्स जो है ब्रश अप करके जाएंगे, टैली का इंटरव्यू है आप टैली की लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे, हेल्थ वर्कर्स की कोई नर्सिंग का कोई अपॉइंटमेंट निकला है आप नर्सिंग की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप आजकल कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं उनमें क्या क्या चीजें, अगर कोविड का टाइम अभी जैसे चल रहा है आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ सेकंड वेव में क्या हुआ, आपको कोई डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा बट जो एज ए नर्स एज ए असिस्टेंट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में बेसिक दवाइयों के बारे में, आपको वो चीजें रिवाइज करके जानी है तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और तभी आपका नर्वसनेस कम होगा। आप टीचर हैं आप ब्यूटिशियन हैं आप एक्सपर्ट अपेरल किसी अपेरल कंपनी में आप जा रही हैं आपको सिलाई आती है आप बढ़िया एकदम फर्स्ट क्वालिटी की सिलाई करते हैं आप अपने सैंपल साथ लेके जाइए जो हम सैंपल वो बनाते हैं आपका रजिस्टर उसको साथ लेके जाइए।
अगर जैसे कि मैंने बताया वो कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे अभी नहीं आता, मैंने इस चीज की कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ अगर मुझे सिखाया जाए। अपनी रेफरेंसेस, चाहे रेफरेंसेस का मतलब जो लोग आपके बारे में आपसे हटके, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं और मेरे बारे में कोई और बताए थोड़ा फर्क पड़ता है। रेफरेंसेस उसको बोलते हैं जो आपके बारे में फीडबैक दे सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं। ज्यादातर फ्रेंड्स के रेफरेंसेस मत दिया करिए, कोई भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होता। रेफरेंसेस की भी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो आपके टीचर्स हो सकते हैं अगर आपने, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो आपकी फैमिली में है, आप प्रेशर है लेकिन कोई प्रोफेशनल आपकी फैमिली में, फादर मदर को छोड़ के, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम करा हुआ है, अगर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जॉब 10th जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का रेफरेंस दीजिए जो आपको, जिसके साथ आपका कंडक्ट अच्छा है और वो आपके बारे में अच्छे रेफरेंस देंगे, और उनकी खुद की भी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। उन रेफरेंसेस को आप पहले से बता दीजिए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको इनसे फोन आएगा मेरे बारे में चेक करने के लिए। अगर आप फाइनल पोजीशन के लिए नहीं भी सिलेक्ट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपको एक एनवायरनमेंट में पता चला कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वापस घर आइए, आप नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करिए। डोंट लूज योर हार्ट कि अगर एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एनालाइज जरूर करिए कि क्यों, मेरा क्यों नहीं हुआ। वो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ये जितने स्टेप्स थे आप उन पे काम करेंगे। आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी स्किल्स को ब्रशअप करके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में अपियर होंगे, एंड योर रेफरेंसेज आर गुड, आपकी अच्छी रेफरेंसेज होंगी, और आप मतलब बिल्कुल पोजिशन से अप्रोप्रिएट आपका स्किल होगा। ऐसा नहीं कि पोजिशन हेल्थ वर्कर्स के लिए आती है आपको स्विंग है और आप हेल्थ वर्कर्स के लिए देने चले गए, आती आपको स्टिचिंग एंड स्विंग है, या स्टिचिंग एंड स्विंग अपेरल का कोई है, आता आपको ब्यूटिशियन का कोर्स है और देने चले गए आप स्टिचिंग एंड स्विंग के उसके लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा। टैली आपको आता ही नहीं, कभी आपने सीखा ही नहीं, तो आप इंटरव्यू देने चले गए, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना भी अच्छे आप ढंग से अपने कपड़े पहन के चले जाएं, कितने भी अच्छे से आप इंटरव्यू से, आप ये नहीं कह सकते आई विल लर्न ऑन द जॉब, आई एम अ फास्ट लर्नर, नो, दैट वाज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हाँ, उसमें वो बोले कि अच्छा आप टैली में कर लेते, क्या आप ईमेल राइटिंग आती है, अगर आपको ईमेल राइटिंग नहीं आती लेकिन टैली आता है तो आप बोल सकते हैं कि देखो बेसिक इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग में सीख लूंगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम एज अ प्रोफेशनल, चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। वो ऐसी स्किल्स हैं कि जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस क्यों हमेशा, क्योंकि इसमें नए नए वर्जन आते हैं, हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाता है। ईमेल राइटिंग इज एन आर्ट, मतलब इसमें कितने कितने कोर्सेज लोग करते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं जो दूसरे को कन्विंस कर सकता है आपकी बात को मानने के लिए। बेसिक इंग्लिश में ना डरना नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देखिए ज्यादातर लोग वही 50-60 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत, जैसे कि वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे शशि थरूर को आपने कभी अगर तो इंटरव्यू किसी ने देखा होगा, तो वो जिस लेवल की इंग्लिश, या सुधा मूर्ति जिस तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, हमने उस इंग्लिश में बात नहीं करनी। बेसिक चीज मैंने बोली आपकी समझ में आई, आपने बोली मेरी समझ में आई, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को कहाँ यूज करना है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है और फ्री है, और आपको जॉब में हेल्प करेगी। ये जैसे ही आप अपने सीवी में डालते हैं, आपका आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज अ कैंडिडेट। सो दिस वॉज इट।
आई डोंट नो इफ दिस इज यूजफुल और नॉट, बट आई थॉट, बहुत सोचा कि बहुत हैवी हो रहे थे वो सेशंस, तो हम कौन सा ऐसा कुछ टॉपिक पकड़ सकते हैं जो सबके सबके लिए जरूरी है. आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अगर ले लेते हैं और इंटरव्यू स्किल ले लेते हैं तो भी हम एटलीस्ट किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं. बाय, सब अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना से बच के रहेंगे. थैंक यू सो मच मैम. बाय बाय.